तो दोस्तों आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 30 से 35,000 रुपीस के बजट रेंज में आने वाले टॉप 4 बेस्ट कैमरा सेटिंग स्मार्टफोन्स के बारे में। तो दोस्तों अगर आप भी अभी के टाइम पे अपने स्मार्टफोन को अपग्रेड करने की सोच रहे हो और ढूंढ रहे हो एक जबरदस्त लेवल वाला फोटोग्राफी फीचर्स के साथ एक बेस्ट कैमरा सेटिंग स्मार्टफोन्स जहाँ पर आपको प्रो लेवल तक की फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी करने के लिए अच्छा खासा कैमरा देखने को मिल जाए, उसके अलावा फ्लेक्सिबल लेवल तक का प्रोसेसर देखने को मिल जाए जिसकी हेल्प से आप गेमिंग मल्टीटास्किंग इजिली परफॉर्म कर पाओ, बट आप कंफ्यूज हो कि अभी के टाइम पे आपको कौन से स्मार्टफोन या फिर कौन से स्मार्टफोन ब्रांड के साथ जाना चाहिए, तो आपकी इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हमने टॉप 4 स्मार्टफोन्स को सेलेक्ट करा है। तो प्रॉपर पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर के भी अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले हमारी लिस्ट के फर्स्ट नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में, तो वो हमने रखा है सैमसंग की तरफ से आने वाला सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G स्मार्टफोन, जो कि अभी 2023 में रिलॉन्च करा गया है स्नैपड्रैगन वर्जन के साथ। तो आप उसी स्मार्टफोन को बाय करिएगा। तो ये जो स्मार्टफोन है ये आपको 30,000 रुपीज से लेकर 40,000 रुपीज की प्राइस रेंज में देखने को मिल जाएगा। काफी फ्लक्चुएशन आपको इसकी प्राइसिंग में देखने को मिलेंगी। सो आप इस स्मार्टफोन को ये ध्यान में रखिएगा कि आप इस स्मार्टफोन को अंडर 35,000 रुपीज ही बाय करिएगा। और ये स्मार्टफोन इस बजट रेंज में आने वाला वन ऑफ द बेस्ट फोटोग्राफी फीचर्स वाला स्मार्टफोन है, जहाँ पर आपको काफी अच्छे कैमरे स्पेसिफिकेशंस के साथ साथ काफी अच्छा प्रोसेसर भी देखने को मिल जाता है। तो अगर डिटेल से बात करें इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 का चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि 2.84 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड एक पावरफुल ऑक्टाकोर 5G प्रोसेसर है, जहाँ पर आपको 8GB तक की रैम सपोर्ट एंड 256GB की इनबिल्ट मेमोरी देखने को मिल जाती है। एंड वहीं आपको बैटरी के तौर पर भी 4500mAh की काफी बड़ी बैटरी के साथ 25W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको कुछ प्रीमियम स्पेसिफिकेशंस भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपको इसमें वायरलेस चार्जिंग देखने को मिल जाती है, IP68 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। सो ये कुछ प्रीमियम स्पेसिफिकेशंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। एंड इसके अलावा आपको यहाँ पर टॉप नॉच लेवल वाली एक काफी बढ़िया डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि है 6.4 इंच की एक डायनेमिक एमोलेड 2X स्क्रीन, जो कि 1080x2340 पिक्सल्स की है। और ये जो डिस्प्ले पैनल है वो 411 PPI पिक्सल डेंसिटी पे वर्क करती है। इसके अलावा आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन मिल जाती है एंड 120Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सो डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर काफी बढ़िया देखने को मिलती है। तो जब भी आप इस स्मार्टफोन में कोई कंटेंट कंज्यूम करोगे तब आपका एक्सपीरियंस काफी बढ़िया रहेगा। एंड वही अगर बात करें फोटोग्राफी फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको 12MP + 12MP + 8MP का ट्रिपल रियर कैमरा सपोर्ट देखने को मिल जाता है विद OIS सपोर्ट, और आप यहां से 4K क्वालिटी में अपनी वीडियोस को 60fps पर अल्ट्रा HD में इजीली रिकॉर्ड कर पाओगे। एंड इसके अलावा भी आपको 32MP का सामने की तरफ भी एक काफी बढ़िया सेंसर देखने को मिल जाता है। सो ये कुछ स्पेसिफिकेशंस आपको देखने को मिलते हैं हमारी लिस्ट के फर्स्ट नंबर वाले स्मार्टफोन में। तो इसके बाद आप बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के सेकंड नंबर वाले स्मार्टफोन की तरफ, और सेकंड नंबर पे हमने रखा है वीवो की तरफ से आने वाला वीवो V27 Pro 5G स्मार्टफोन। और अगर बात करें इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो सबसे पहले इस स्मार्टफोन की जो प्राइसिंग है वो आपको अंडर 35,000 रुपीज इजिली देखने को मिल जाएगी। और ये इस बजट में आने वाला वन ऑफ द बेस्ट कैमरा सेंटिक स्मार्टफोन है, बिकॉज वीवो के स्मार्टफोन्स में बेस्ट कैमरे की क्वालिटी देखने को मिल जाती है। तो आप इस स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर डिटेल से बात करें इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपका परफॉर्मेंस के लिए मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 का एक 3.1GHz पर क्लॉक्ड पावरफुल ऑक्टाकोर 5G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको 8GB तक की रैम सपोर्ट एंड 128GB की इनबिल्ट मेमोरी भी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा वहीं पर आपको बैटरी के तौर पर भी 4600mAh की बैटरी के साथ 66W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। एंड इसके साथ आपको यहाँ पर डिस्प्ले के तौर पर 6.78 इंचेस की एक एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जो कि 1080x2400 पिक्सल्स की है। और ये जो डिस्प्ले पैनल है वो 398 PPI पिक्सल डेंसिटी पे वर्क करती है। इसके अलावा ये जो स्मार्टफोन है वो कर्व डिस्प्ले डिजाइन के साथ देखने को मिलता है, सो देखने में भी काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। इसके अलावा आपको HDR10+ का सपोर्ट देखने को मिल जाती है, 120Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है एंड 1000 nits की पीक ब्राइटनेस आपको यहाँ पर मिल जाती है। सो यहाँ पर भी आपको डिस्प्ले के तौर पर स्पेसिफिकेशंस काफी बढ़िया देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर बात करें वहीं पे इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफी फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको 50MP + 8MP + 2MP का ट्रिपल रियर कैमरा सपोर्ट देखने को मिलता है विद OIS सपोर्ट, और आप यहाँ से 4K क्वालिटी में अपनी वीडियोस को 30fps पर इजिली अल्ट्रा HD में रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड इसके अलावा वहीं पर आपको सामने की तरफ भी 50MP का एक सोनी IMX766V का सेंसर देखने को मिल जाता है। सो
आप सामने की तरफ से भी काफी बढ़िया क्वालिटी में अपनी फोटोज एंड वीडियोस को क्लिक एंड शूट कर सकते हैं। सो ये कुछ स्पेसिफिकेशंस आपको देखने को मिलते हैं हमारी लिस्ट के सेकंड नंबर वाले स्मार्टफोन में। इसके बाद अब बढ़ते हमारी लिस्ट के थर्ड नंबर वाले स्मार्टफोन की तरफ, और थर्ड नंबर पे हमने रखा है OnePlus की तरफ से आने वाला OnePlus Nord 3 5G स्मार्टफोन। और ये भी OnePlus की तरफ से आने वाला वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है इस बजट रेंज में। सो जिनको भी OnePlus का स्मार्टफोन बाय करना है वो लोग इस स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं। अगर बात करें इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की तो तकरीबन आपको यह स्मार्टफोन 33,000 रुपीज के अराउंड देखने को मिल जाएगा। तो अगर डिटेल से बात करें इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो ये जो स्मार्टफोन है वो ऑक्टोबॉक्स एंड्रॉइड 13 पर वर्क करता है। एंड यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के लिए मीडियाटेक डायमेंसिटी 9000 का चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि 3.05 गीगाहर्ट्ज़ पर क्लॉक्ड काफी ज्यादा पावरफुल ऑक्टाकोर 5G प्रोसेसर है। एंड यहाँ पर आपको 8GB तक की रैम सपोर्ट एंड 128GB की इनबिल्ट मेमोरी देखने को मिलती है। और इसके अलावा आपको वहीं पर बैटरी के तौर पर भी 5000mAh की काफी बड़ी बैटरी के साथ 80W का सुपर बूक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो आप इस स्मार्टफोन को भी कंसीडर कर सकते हैं अगर आपको पावरफुल गेमिंग के साथ साथ एक अच्छा खासा कैमरे स्पेसिफिकेशंस चाहिए। तो इसके बाद अगर वहीं पे बात करें इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले के तौर पर 6.74 इंचेस की एक एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलती है, जो कि 1214x2772 पिक्सल्स की है। और ये जो डिस्प्ले पैनल है वो 450 ppi पिक्सल डेंसिटी पे वर्क करती है। यहाँ पर आपको 1450 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस भी मिल जाती है। HDR 10 प्लस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। एंड वहीं आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट भी आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। और इसके बाद अगर वहीं पे एट द एंड बात करें इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफी फीचर्स के बारे में, तो यहां पर आपको 50MP प्लस 8MP प्लस 2MP का ट्रिपल रियर कैमरा सपोर्ट देखने को मिलता है विद OIS सपोर्ट। और आप यहां से मैक्सिमम 4K क्वालिटी में अपनी वीडियोस को 30fps पर अल्ट्रा HD में इजिली रिकॉर्ड कर पाओगे। एंड इसके अलावा भी आपको 16MP का एक सामने की तरफ सोनी IMX890 का सेंसर देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशंस आपको देखने को मिलते हैं हमारी लिस्ट के थर्ड नंबर वाले स्मार्टफोन में। इसके बाद आप बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के फोर्थ एंड लास्ट स्मार्टफोन की तरफ, जो कि हमने रखा है वीवो की तरफ से आने वाला वीवो V29 स्मार्टफोन। और ये स्मार्टफोन भी अभी रिसेंटली ही लॉन्च करा गया है, तो आप इस स्मार्टफोन को भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपका बजट 31,000 रुपीज या फिर 30,000 रुपीज है और आप इस बजट में एक बेस्ट कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन बाय करना चाहते हैं, बिकॉज इसमें भी आपको स्पेसिफिकेशंस काफी कमाल के देखने को मिल जाते हैं। तो अगर डिटेल से बात करें इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के लिए देखने को मिल जाता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G का चिपसेट, और ये 2.4GHz पे क्लॉक्ड एक ऑक्टाकोर 5G प्रोसेसर है, जहाँ पर आपको 8GB तक की रैम सपोर्ट एंड 128GB की इनबिल्ट मेमोरी देखने को मिल जाती है। और वहीं आपको बैटरी के तौर पर भी 4600mAh की बड़ी बैटरी के साथ 80W का फ्लैश चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। एंड ये जो स्मार्टफोन है वो आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पर वर्क करता है। अगर वहीं पे डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस की बात करी जाए, तो यहां पर आपको 6.78 इंचेस की एक एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलती है, जो कि 1216x2800 पिक्सल्स की है। और ये जो डिस्प्ले पैनल है वो 453 ppi पिक्सल डेंसिटी पे वर्क करती है। इसके अलावा आपको यहां पर अल्ट्रा स्लिम 3D कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि आपके स्मार्टफोन की प्रीमियम एप्स को काफी ज्यादा इंक्रीज कर देती है। एंड इसके अलावा फॉर स्मूथ एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर 120Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। एंड वहीं पे एट द एंड अगर बात करें इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफी फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको 50MP प्लस 8MP प्लस 2MP का ट्रिपल रियर कैमरा सपोर्ट देखने को मिलता है विद OIS सपोर्ट। और आप यहाँ से भी मैक्सिमम 4K क्वालिटी में अपनी वीडियोस को 30fps पर अल्ट्रा HD में इजिली रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं आपको सामने की तरफ भी 50MP का एक फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। सो दीज आर द टॉप 4 स्मार्टफोन्स जो कि आपको 35,000 रुपीज की बजट रेंज में देखने को मिल जाते हैं। और आप इनमें से किसी भी स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं, जो भी स्मार्टफोन आपको अच्छा लगा हो या फिर जिस भी ब्रांड के साथ आप जाना चाहते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेस गाइस। आई होप कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद काफी कुछ सीखने को मिला होगा और ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल भी रही होगी। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को सिंपली कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो तब तक के लिए राधे राधे।